अगली खबर है चोरी की घटनाओं को लेकर। श्रीधाम एक्सप्रेस में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चलती ट्रेन में दो बार SLR काट कर चोरों ने माल उड़ा लिया। दूसरी घटना रविवार की दरमियानी रात घटित हुई। इस ट्रेन के जनरल डिब्बे का SLR काट कर चोरों ने तकरीबन 5 लाख का माल गायब कर दिया। इससे पहले चोरों ने ऐसी ही एक वारदात 2 अक्टूबर को अंजाम देते हुए SLR काट कर लाखों का माल पार किया था। जबलपुर से नई दिल्ली जाने श्रीधाम एक्सप्रेस में जहां 1 माह में दूसरी बार यह घटना घटित हुई, वहीं 4 माह में 5 बार अलग अलग ट्रेनों में चोरों ने हाथ साफ किया। लेकिन अभी तक रेल पुलिस ना तो इन चोरों का पता लगा सकी, ना ही चोरी गए माल का पता चल सका। जानकारी के मुताबिक पटरियों पर दौड़ रही श्रीधाम के पार्सल यान एक्सप्रेस के पार्सल यान को काट कर रविवार की मध्य रात्रि चोरों ने 5 लाख का माल पार कर दिया। पार्सल यान में चोरी गया माल दिल्ली से लोड किया गया था, जिसमें कपड़े के गट्ठे, कोरियर का सामान और इलेक्ट्रॉनिक का सामान लोड किया गया था। दिल्ली से चलकर जबलपुर आने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस में इटारसी जबलपुर के मध्य बीते सप्ताह 2 अक्टूबर 2022 को भी चोरी हुई थी, जिसमें चोरों ने SLR काट कर कपड़ों के 4 बंडल चुरा लिए थे। इस बार चोरों द्वारा फिर से SLR काट कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यह चोरी इटारसी जबलपुर के बीच की गई है, जहां चोरों ने जनरल बोगी से लगी SLR बोगी को काट कर कपड़े, कोरियर का माल तथा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मोबाइल, कंप्यूटर की एसेसरीज के डिब्बे से माल निकाल लिया। बताया जाता है कि चोरी गए माल की कीमत लगभग 5 लाख रुपए की आंकी गई है।